ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें जनपद मथुरा के परेड क्षेत्र के एक शराब के ठेके की हैं, जहां एक शराब लुटेरे ने जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, इस शराब लुटेरे ने शराब के लिए सेल्समैन को जमकर पीटा। इस हमले में सेल्समैन लहूलुहान हो गया। जनपद मथुरा में चोरों और लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर जनपद की पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं, लेकिन जनपद की पुलिस इन चोर और लुटेरों पर नकाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला जनपद मथुरा के परे क्षेत्र के एक शराब ठेके का है, जहां शराब के ठेके में हुई लूट का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे से लिए गए वीडियो में लुटेरा लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले शराब के ठेके के अंदर सो रहे सेल्समैन को बुरी तरह से पीट रहा है। सेल्समैन के बेहोश होने पर लुटेरा नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गया। ये घटना गुरुवार की रात की बताई गई है। जानकारी के मुताबिक जनपद मथुरा के परे शाहपुर रोड पर अंग्रेजी शराब का एक ठेका है। सेल्समैन प्रतिदिन की तरह ठेके के अंदर ही सोता है। गुरुवार की शाम को वो ठेके का दरवाजा हल्के से बंद करके अपना खाना लेने बाहर चला गया। उसी दौरान एक युवक ठेके के अंदर दाखिल हो गया और चारपाई के नीचे छिप गया। रात करीब 10 बजे वो बाहर निकला और चारपाई के ऊपर सो रहे सेल्समैन पर ताबड़तोड़ हमला कर सेल्समैन को बेहोश कर दिया। लुटेरे ने सेल्समैन पर ईंट पत्थर और जमकर डंडे बरसाए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लुटेरा सेल्समैन को बुरी तरह से पीट रहा है। सेल्समैन के बेहोश होने के बाद लुटेरा 3-4 दिन की बिक्री का कैश और कुछ शराब की बोतलें लेकर वहां से फरार हो गया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ठेका संचालक की तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।